नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और आज मैं आपको एक माँ की संघर्ष की कहानी सुनाने जा रही हूं, जिसे सुनकर आपकी आंखों में पानी आ जाएगा। आशा करती हूं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। एक गरीब माँ ने अपने जीवन में बहुत कुछ झेला था। उसका एक बेटा था जिसका नाम अंकित था। उस माँ ने संघर्ष करके अपने बेटे अंकित को शहर पढ़ने के लिए भेजा था और उसका बेटा अंकित पढ़ लिखकर एक अच्छा सा जॉब भी हासिल कर लिया था। एक दिन शाम का समय था, बादल चारों तरफ से घिरे हुए थे और बहुत तेज हवा चल रही थी। तभी अंकित बाजार जा रहा था। आज उसके जीवन की पहली कमाई यानी कि उसकी पहली सैलरी आई थी। अपनी पहली कमाई से वो अपनी माँ के लिए चप्पल खरीदना चाहता था। बाजार में एक अच्छी सी चप्पल की दुकान देखकर वह उसके अंदर गया। दुकान वाले से कहा, सेठ जी, लेडीज के लिए एक जोड़ी अच्छी सी चप्पल दिखाइए। दुकान वाले ने लड़के को चप्पल का नाप पूछा। लड़के ने कहा, मुझे पैरों का नाप तो नहीं पता, लेकिन मेरे पास मेरी माँ के पैरों की एक आकृति है। उसने दुकानदार से पूछा कि क्या वह इस आकृति को देखकर उसके हिसाब से सही चप्पल की जोड़ी दे सकते हैं या नहीं। दुकान वाला लड़के की बात सुनकर आश्चर्यचकित था। दुकान वाले ने कहा कि हमने कभी भी इस तरह आकृति के हिसाब से चप्पल नहीं बेची है, और भला कोई आकृति दिखाकर चप्पल क्यों खरीदेगा। तुम खुद अपनी माँ को यहाँ लाकर उनके पैरों का नाप क्यों नहीं दे देते। लड़के ने कहा, वह शहर में रहता है और उसकी माँ बहुत दूर गांव में। उसकी माँ ने जीवन में कभी चप्पलें नहीं पहनी है, फिर भी उसने बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि मैं अच्छी नौकरी कर सकूं। मैं जब घर से नौकरी के लिए निकला था तो मैंने यह तय कर लिया था कि अपनी पहली तनख्वाह से सबसे पहले माँ के लिए चप्पल लूँगा। इसलिए उनके पैरों की आकृति इस पेपर में बना ली थी। लड़के ने एक सफ़ेद कागज में बनी हुई पैरों की आकृति दुकान वाले को दिखाते हुए कहा। लड़के की बातें सुनकर दुकान वाले की आंखों में पानी आ गया। उसने अपने तजुर्बे के हिसाब से आकृति को देखकर एक योग्य माप की चप्पल उस लड़के को दे दी। दुकान वाले ने एक और चप्पल उसी माप की उस लड़के को देते हुए कहा कि अगर माँ की चप्पल टूट जाए तो यह दूसरी चप्पलें दूसरे बेटे की तरफ से उन्हें दे देना। लड़का भावुक हो गया और उसने चप्पल के पैसे चुकाए और चप्पल के दोनों जोड़ लेकर जाने लगा। तभी पीछे से दुकानदार ने लड़के को रोकते हुए पूछा कि क्या वह पेपर में बनी पैरों की आकृति उसे दे सकता है। लड़के ने दुकानदार को अपनी माँ के पैरों की आकृति बने वह पेपर दिया और वहाँ से चला गया। दुकानदार ने उस चित्र को अपने दुकान में बने देवघर में रख दिया। दुकान में काम करने वाले कर्मचारी ये देखकर हैरान थे। उन्होंने दुकानदार से पूछा, उन्होंने किसी महिला की पैरों की आकृति को भगवान के मंदिर में क्यों रखा है। तो दुकानदार ने कहा, यह किसी साधारण महिला के पैरों की आकृति नहीं है, यह एक बहुत ही महान माँ के पैरों की आकृति है, जिसने इस लड़के का इतने अच्छे संस्कारों से पालन पोषण किया है। इस लड़के की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता है और मुझे भरोसा है कि इन पैरों की कृपा की वजह से हमारी दुकान भी हमेशा हरी भरी रहेगी और दुकान अच्छी चलेगी। दुनिया में माँ हर किसी की होती है। बिना माँ के जीवन संभव नहीं है, लेकिन बहुत कम खुशनसीब लोग होते हैं जो माँ का महत्व समझते हैं और उन्हें हमेशा खुश रखने का प्रयत्न करते हैं। इस दुनिया में माँ के जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं हो सकता है। अंकित की माँ ने अंकित को संघर्ष करके बैठाया लिखाया और उसको कामयाब बनाया था। उसको अच्छे संस्कार दिए थे, इसलिए अंकित ने अपनी पहली सैलरी मिलने पर सबसे पहले अपने माँ के लिए कुछ करने को सोचा। लेकिन आजकल के बच्चे
कामयाब हो जाने पर अपने माँ बाप का संघर्ष भूल जाते हैं और उनके लिए कुछ नहीं करते हैं। धन्य है वो माँ जिसे अंकित जैसा बेटा मिला। दोस्तों, आप लोग भी अंकित जैसा बेटा बन सकते हैं, इसलिए आप लोग भी कामयाब होने पर अपनी पहली सैलरी से अपने माँ बाप के लिए कुछ जरूर करें। आपके इस छोटे से काम से आपके माँ बाप को बहुत खुशी मिलेगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इसी तरीके की अच्छी अच्छी कहानी की वीडियोज देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।